हाय इंडियन गेमर्स, मैं हूं जो आप देख रहे हैं जरुक्स वाइट यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एपेक्स लेजेंड मोबाइल के ऊपर। जी हां, वो न्यूज़ सुनकर आप खुशम खुश हो जाओगे। क्यों? क्योंकि वो न्यूज ही ऐसी है। दरअसल कई ऐसे डिवाइसेस थे जो कि ROG 3, ROG 5, OnePlus 7T, 7X, पता नहीं कौन कौन सा डिवाइस, तो जो कि बहुत ही हाई एंड डिवाइसेस थे। लेकिन जब वो गूगल प्ले स्टोर पर जाते थे ना और एपेक्स लेजेंड मोबाइल सर्च मारते थे और उसे इंस्टॉल करने की सोचते थे, तो वहाँ पर उनका डिवाइस अनकंफर्टेबल यहाँ पर दिखाता था, जो कि एक बहुत ही दर्दनाक चीज़ है उन प्लेयर्स के लिए जो कि बहुत ही हाई एंड डिवाइस रखते थे। अब देखो, ये देखा जाए तो कोई ग्लीच हो सकता है या कोई बग हो सकता है, लेकिन इसे सॉर्ट आउट भी किया जा सकता है, इसको सोल्व भी किया जा सकता है। दरअसल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरी जो स्क्रीन है वो है, और देखो आप इसे फिक्स कर सकते हो। अगर बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर पर अगर आपका डिवाइस अनकंफर्टेबल दिखाता है, तो सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद ऐप लिस्ट के अंदर जाना है। ऐप लिस्ट के अंदर जाने के बाद आपको सर्च करना है गूगल प्ले स्टोर। जी हाँ, इसको क्लियर एंड कैश कर दीजिए। अब जो आपके पास डिवाइस है, जैसे कि ROG है और 7T है, ये बड़े बड़े प्रोसेसर्स रखते हैं अपने आप में ही, तो इन पे तो सपोर्ट होना ही चाहिए। कैसे भी अगर नहीं होता तो ये चीज़ कीजिए। इसको करने के बाद आपका जो डिवाइस है वो कंफर्टेबल हो जाएगा एपेक्स लेजेंड मोबाइल के लिए। जी हाँ, और इसी के साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं आपको, एक और बहुत ही बड़ी खबर आ रही है जो कि एपेक्स लेजेंड मोबाइल के रिगार्डिंग है। जी हाँ गाइस, आप सुनोगे उस खबर को तो दहल जाओगे। जी हाँ, मैं भी दहल गया। एक्चुअली मैं अब सभी लोगों ने खेला ही था, अभी फिलहाल एपेक्स लेजेंड का जो है वो एंड हुआ ही था, कि रिस्पॉन ने यहाँ पर एक ट्वीट किया है। तो यहाँ पर आप दे सकते हैं, ये लिखते हैं, इन ए फ्यू वीक्स एपेक्स लेजेंड मोबाइल क्लोज बीटा टेस्ट विल रोल आउट टू 5 more countries। If you are in Indonesia, Peru, Colombia, Egypt or Lebanon, head to your local Google Play Store page to sign up। तो यहाँ पर आप देखा कि जो 5 और countries में ये ऐड होने वाला है गेम, तो देख सकते हैं आप कोलंबिया, इजिप्ट, लेबनान, पेरू, इंडोनेशिया, इन कंट्रीज़ में भी अभी ऐड होने वाला है। अब जैसे कि हमने तो प्री रजिस्ट्रेशन किया ही था, तो हमें कोई टेंशन वेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने पहले से ही प्री रजिस्ट्रेशन किया है ना, तो भले ही कौन सी भी कंट्री में आए मैं खेल सकता हूँ उसे। जी हाँ, इंडिया में रहते हुए भी खेल सकता हूँ, यही फायदा होता है प्री रजिस्ट्रेशन करने का। जल्दी से अगर आपने नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि अब इस गेम में आपको बहुत ही ज़्यादा रियल प्लेयर्स देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि ये गेम बहुत कंट्रीज़ में अब धीरे धीरे फैल रहा है। अब धीरे धीरे फैल रहा है ना, तो और कंट्रीज़ के प्लेयर्स भी इसमें ऐड होने वाले हैं। अब जैसे कि आपने देखा कि इन ए फ्यू वीक्स लिखा हुआ है, मतलब कि कुछ ही हफ्तों में हमें एक बार फिर क्लोज बीटा टेस्ट देखने को मिलने वाला है। जी हाँ गाइस, हमें एक बार फिर गेम हमें बम्प से देखने को मिलने वाला है। अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जुलाई का अगला महीना आएगा, उसके अंदर लगता है कि 102 वीक के अंदर ये गेम हमें शायद से देखने को मिलने वाला है। मतलब कि जुलाई में ये गेम हमें वापस से देखने को मिलेगा, और एंड ऑफ द मंथ हमें ये गेम पूरा देखने को मिलेगा। ऐसा मेरा इरादा है, ऐसा मेरा सोचना है, क्योंकि हमें ये जो अभी ख़त्म हुआ था बेटा, वो भी पूरा महीना ही देखने को मिला था। जैसे कि आप देखा कि पूरा एंड ऑफ द मंथ हमें पूरा ही देखने को मिल गया, एंड पूरा महीना ही चला था ये एंड तक, है ना। तो ये बेटा भी हमें पूरा महीना देखने को मिल सकता है। अगर आपको इस गेम के रिगार्डिंग और भी अपडेट्स चाहिए, तो वीडियो को कर देना लाइक, वीडियो को कर देना शेयर, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर पहले बनाए तो सब्सक्राइब करें। मैं हूँ अजय, आप देख रहे हैं जरुक्स वाइट यूट्यूब चैनल। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब अगली वीडियो बढ़ाया टाटा।